नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। इंडोनेशिया में 6.5 तीव्रता का भूकंप, 25 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। भूकंप के कारण कई मस्जिदें और दुकानें ढहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग के नए एयरफोर्स वन को बताया महंगा, रद्द हो सकता है सौदा। 2024 तक एयरफोर्स में शामिल होने थे नए विमान। अपने चौथे कार्यकाल के प्रचार के दौरान बोली जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाएं अब जर्मनी में नहीं कर सकेंगी प्रवेश। पिछले 16 सालों से लगातार जीतती आ रही हैं मार्केल। नई दिल्ली का रूजवेल्ट हाउस अमेरिकी धरोहर में शामिल, अमेरिकी राजदूत के सरकारी आवास है रूजवेल्ट हाउस। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सूची में दी जगह। और सीरिया में संघर्ष विराम की कोशिशों को लगा झटका, सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ संघर्षरत विद्रोहियों ने रूस का प्रस्ताव ठुकराया। रूस ने विद्रोहियों को पूर्वी अलेप्पो से बाहर निकलने का रास्ता देने की थी पेशकश। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।